खरगोन जिले से अब अन्य जिलों के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। खरगोन बस स्टैंड पर अन्य दिनों की तुलना में कुछ चहल पहल भी नजर आई, हालांकि कुछ ही बसें चल रही है। बस संचालकों का कहना है कि किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव आगे भेजा है। किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास होने के बाद 1 अक्टूबर से नियमित रूप से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण 6 महीनों से बसों के पहिए थमे हुए हैं, इसलिए बस संचालकों के द्वारा लंबे समय से टैक्स माफी की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने मानकर टैक्स माफ कर दिया है। अब यात्रियों को इंतजार है कि जल्द ही बसों का नियमित संचालन शुरू हो जाए। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, वो टैक्स तो माफ कर दिया है, बाकी गाड़ियाँ हाई फॉरम पर गाड़ियाँ खड़ी है। 1 तारीख से चालू होगी गाड़ियाँ। 1 तारीख से क्यों? क्योंकि वो अगले जो टैक्स जो एडवांस जो भरा है वो उनको तो महीने का टैक्स काम में आएगा। किराया बढ़ गया है क्या? किराया कुछ अभी लिखित में आया नहीं है, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल। कौन सी गाड़ी थी? मैं जिलानी बस पे चलता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।